Rahmatullahi wa barakatuhu, dear students of class 7th, I am here Mohammed Shafi, headmaster UPS Afan. जैसा कि आपको पता है कि हमने दो lectures complete किए हैं जो आपकी poem है Windows, जो लिखी है West Maggie ने. आज इसके हम question answers करेंगे जो page number 50 पे हैं आपकी book पे. So please open your books. At page number 50, you will find a language work there. It is a reading is fun. वहाँ पे आपको क्वेश्चन साथ मिलेंगे और हम आज उनके आंसर्स लिखेंगे. लेकिन इससे पहले I would like to recall the poem. मैं चाहता हूँ कि जो poem है उसको हम recall करें कि किस तरीके से West Maggie जो है, जो poet है, किस तरीके से बच्चे की जो ख्वाहिश है उजागर करता है इस poem में. और कहता है जो बच्चा है जो ही ऑलवेज वांट्स टू वॉक थ्रू द कॉरिडोर इन ऑर्डर टू हैव द ग्लिम्प्स इन ऑर्डर टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड एंड द एक्साइटिंग वर्ल्ड विच ही हैड नेवर विजिटेड और सीन बिफोर एंड द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई डज ही सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड. कहां से ब्यूटीफुल वर्ल्ड इस कॉरिडोर में देखता है. तो वो आपको मैं बार बार ये कहूंगा कि वो किसी विंडो से नहीं देखता है बल्कि वो जो पिक्चर जैकेट्स बनी हैं, जो बुक्स वहां पे कहता है कि हंड्रेड्स बुक्स हैं और उन हंड्रेड्स बुक्स में जो बहुत सारी कसीर तादाद में बुक्स हैं उनके जो फ्रंट पेजेस पे हैं जो कलर्ड पिक्चर्स लगे हैं जिनको शायर बोलता है पिक्चर जैकेट्स. और इन पिक्चर्स पे तरह तरह की तस्वीरें बनी हैं. उनको देख के ये बच्चा जो ये स्टूडेंट है बहुत खुश होता है. यही वजह है कि वो चाहता है कि जो मेरे टीचर हैं वो मुझे ही कहें कि आप रजिस्टर ऑफिस लीजिए या कोई मैसेज होगी दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, दूसरे क्लासरूम्स के लिए. वो चाहता है कि मैं ही जाऊं ताकि वो इस ऑफिस में जाने के लिए या किसी और क्लासरूम में मैसेज लेने के लिए वो वही कॉरिडोर का रास्ता अख्तियार करे जिस कॉरिडोर में बहुत सारी बुक्स हैं और हंड्रेड्स ऑफ बुक्स. और उन हंड्रेड्स ऑफ बुक्स में जो उसके जो फ्रंट पेजेस हैं उन पे वो तस्वीरें लगी हैं जहां पे वो वाटरफॉल्स देखता है, अफ्रीकी का ये एलिफेंट देखता है, आइसबर्ग्स देखता है और ये जेट एयर क्रूजर देखता है तो या वाइल्ड बीस्ट देखता है जो बेयर ये जो टाइगर है, लेपर्ड है जो अटैक करता है केवमैन्स को. तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक्साइट करते हैं उस बच्चे को और यही वजह है कि चाहता है कि बार बार वो इसी कॉरिडोर से जाके गुजरे ताकि वो इस एक्साइटिंग वर्ल्ड को देखे क्योंकि वहां पे वो कभी नहीं गया है. और जब वो बैक टू हिज क्लासरूम आता है, जब वो क्लासरूम में आता है और इस खिड़की से वो बाहर देखता है, वहां से वो वही नजारा देखता है जो उसने बार बार देखा है. यानी उसको जो खिड़की की जो अपने क्लासरूम की खिड़की है उसको बिल्कुल डल मंजर दिखता है. उसको लगता है कि ये चीजें तो मैंने देखी हैं और लेकिन जो उसने जो उससे वो मिलती हैं चीजें जो उसे कॉरिडोर में मिलती हैं वो इसको बहुत एक्साइटिंग लगती है. तो यहाँ पे West Maggie जो पॉइंट है उसने बच्चे की ख्वाहिश बयान की है. तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपने इस पॉइम को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा. जो 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 शायर दर्शाता है इस बच्चे की ख्वाहिश, उसकी जो उसका जो एटीट्यूड है, जो उसका क्लास रूम में है उसको लगता है कि बाहर सब कुछ डल लगता है लेकिन एक्साइटिंग वर्ल्ड उसको इस कॉरिडोर में दिखता है. तो क्वेश्चन जो है आपके बुक के पेज नंबर 50 पे मेरे पास जो ये है, जो पेज नंबर 50 है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई डज द स्पीकर वॉक. स्पीकर कहाँ जाता है? तो जैसा कि मैंने बताया स्पीकर तो क्लासरूम में जाता है लेकिन कॉरिडोर से जाता है, उसकी ख्वाहिश होती है. ठीक. सेकंड है व्हाट व्यू डज ही गेट फ्रॉम द विंडो ऑफ द क्लासरूम, इज इट डल और एक्साइटिंग. क्या देखता है क्लासरूम की विंडो से, क्या देखता है, क्या वो डल है या एक्साइटिंग. जैसे मैंने भी कहा कि क्लासरूम की खिड़की से उसको सुना सुना लगता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है. और क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाई डज द फैमिली कवर्स इन ए केव, किस तरीके से जो ये है जो फैमिली जो केवमैन की फैमिली है वो चिमट जाती है, सहम जाती है केव में क्योंकि उनको वाइल्ड कैट खाने आती है. और फोर है व्हाई इज द प्ले
ग्राउंड डेजर्टेड, प्ले ग्राउंड सोना सोना क्यों लगता है, वहां पे उदास उदास क्यों है, वहां पे कुछ नहीं है क्यों, क्योंकि वहां पे कोई बच्चा खेल नहीं रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन 5, 6 या 7 है जो है, मैंने इनके आंसर्स, डियर स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन ऑल दीज आंसर्स ऑन दिस व्हाइट बोर्ड एंड यू आई विल स्पीक टू यू अलाउड सो दैट यू कुड लिसन टू मी केयरफुली एंड राइट दीज आंसर्स इन योर नोटबुक्स। सो द फर्स्ट, इफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज why does the speaker walk, the answer is the speaker walks down the long corridor on the way to his classroom, answer iska. Second question hai, what view does he get from the window of the classroom, is it dull or exciting, pick out words in support of your answer. आंसर है द स्पीकर गेट्स अ वेरी डल व्यू फ्रॉम द विंडो ऑफ द क्लासरूम बिकॉज द पॉइंट सेज दैट द स्पीकर नोज द दिस वर्ल्ड वेल। हाँ, स्पीकर को जो क्लासरूम की जो खिड़की से जो नजारा दिखता है वो बिल्कुल डल है, क्योंकि कहता है मैंने ये बहुत बार देखा है इसलिए इसको डर लगता है। एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज द फैमिली कवर्स इन अ केव, इट्स कवर्स इन अ केव, द फैमिली कवर्स इन अ केव एज द वाइल्ड कैट वॉज गोइंग टू अटैक देम, द फैमिली कवर्स इन अ केव एज द वाइल्ड कैट इज गोइंग टू अटैक देम। यहां पे वॉज की जगह इज आएगा क्योंकि प्रेजेंट में हम आंसर लिखते हैं इज। तो इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई इज द प्लेग्राउंड डेजर्टेड, व्हाई इज द प्लेग्राउंड डेजर्टेड, द प्लेग्राउंड इज डेजर्टेड बिकॉज नो वन इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। हाँ, डेजर्ट इसलिए है क्योंकि वहां पे कोई खेल नहीं रहा। एंड द क्वेश्चन 5 है, नेम द थिंग्स विच द स्पीकर सीज इन स्टैंजा 3, स्टैंजा 3 में जो चीजें देखता है ये स्पीकर हमें वो लिखने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, द थिंग्स दैट द स्पीकर सीज इन द स्टैंजा 3 और A, in a number 1, deserted playground, B, grey November sky, C, rows of houses, and D, the chimney of a closed down factory. ये चीजें ये देखता है अपने क्लासरूम की खिड़की से। तो क्वेश्चन 6 है, why is the speaker willing to take the register और मैसेज टू द ऑफिस और क्लासरूम्स, वो क्यों चाहता है कि जाए टीचर उसी को बोले रजिस्टर लें या बाकी मैसेजेस क्लासरूम्स या ऑफिस को क्यों चाहता है वो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है, द स्पीकर इज विलिंग टू टेक द रजिस्टर और मैसेजेस टू द ऑफिस एंड द क्लासरूम्स सो दैट he gets a chance to see the exciting world on the picture jackets of the books in the corridor. हाँ, वो इसलिए चाहता है ताकि वो exciting world देखे जो books के इन cover pages पे बनी। पूरा गया आपके लिए, dear students, last question. क्वेश्चन नंबर 7 इज हुज आई इन दिस पोयम, जो आई बार बार यूज होता है पोयम में ये आई कौन है, तो इसका आंसर मैं यहां पे लिखूंगा क्योंकि यहां पे कोई जगह नहीं है। तो यहां पे है आई इज द स्पीकर, जो आई है ये कामा में जरूर रखना है, आई इज द स्पीकर इन दिस पोयम एंड द स्पीकर इज एक्चुअली द स्टूडेंट। So, यहां पे है
क्वेश्चन है आई कौन है, आई स्पीकर है यानी जो बात करता है, यहाँ पे बात कौन करता है, बात करता है स्टूडेंट। और आई की जगह अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम, हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम, यहाँ पे लिखा है हु इज आई इन दिस पोएम, अगर क्वेश्चन होता हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम तो आंसर आएगा द स्पीकर इन दिस पोएम इज द स्टूडेंट, इज द स्टूडेंट। सो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम विंडोज एंड आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस फुली। और कोई भी क्यूरी अगर होगी तो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, कोई क्वेश्चन कोई जो बात जो आप समझ में नहीं आई तो आप ग्रुप पे ये शेयर कर सकते हैं तो हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे किसी और चैप्टर को लेके आपके सामने, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।